दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं देश की राजनीति को लेकर, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गया है और जब चुनाव है तो बात चुनाव की होगी, राजनीति की बातें होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने कल यानी शनिवार को अपनी 195 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। उन नामों को उजागर कर दिया जो संसद के चुनाव के लिए मोदी जी का चेहरा होंगे। उस चुनाव की जो घोषणा हुई चुनाव के लिए प्रत्याशियों की, उनसे पहले आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नई प्रकार की राजनीति शुरू हुई और वो राजनीति थी वीआरएस की। वीआरएस माना जाता है कि स्वेच्छा से अपनी सेवानिवृत्ति ले लेना, स्वेच्छा से कहना कि मैं अब इस काम को नहीं करना चाहता। उसमें सबसे पहले नाम आया दिल्ली से गौतम गंभीर का, क्रिकेटर। उसके बाद नाम आया जयंत सिन्हा का, मोदी पार्ट वन में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस राज्य मंत्री। फिर उसके बाद में आज आपने देखा होगा तो एक नाम आया पवन सिंह, बहुत बड़ा नाम पवन सिंह का। यूं रहा कि पवन सिंह को 18 घंटे पहले जब टिकट मिला तो 18 घंटे बाद उन्होंने वो टिकट छोड़ दिया, वीआरएस लेने की बात कर दी। इस वीडियो में आपसे चर्चा मैं पवन सिंह की ही करूँगा। शाम ढलते ढलते एक नाम और आ गया, डॉक्टर हर्षवर्धन का। दिल्ली से कई बार सांसद, कई बार विधायक, मोदी सरकार में जो हेल्थ मिनिस्टर रहे भारत के, डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी वीआरएस ले लिया, राजनीति छोड़ दी है। लेकिन इस वीडियो में आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं पवन सिंह की, हर्षवर्धन की और दिल्ली की राजनीति की अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। पवन सिंह को टिकट दिया और पवन सिंह का नाम, भोजपुरी गायक है, पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से पवन सिंह का नाम कई दिन से चल रहा था। मीडिया के चमचमाते जो फ्लैश एंड लाइट वाले जो चलते हैं उसके अंदर बहुत दिन से पवन सिंह का चेहरा चमक रहा था कि पवन को टिकट मिल रहा है भोजपुरी गायक को। और कल जब भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी हुई तो उसके अंदर आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी ने जो तृणमूल कांग्रेस यानी कि दीदी की पार्टी के जो प्रत्याशी होने वाले हैं टीएमसी के, शॉटगन सिन्हा, जिन्हें छोटे नाम में शॉटगन कहते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा। शॉटगन यूँ कहते हैं क्योंकि शॉट मारते ही बहुत हैं वो। दीदी के शत्रुघ्न सिन्हा के मुकाबले में मोदी जी ने उतारा वहाँ पर पवन सिंह को। शत्रुघ्न सिन्हा का भी जो बैकग्राउंड है वो बिहार का है, भोजपुरी का है, हालांकि वो देश के बड़े कलाकार रहे हैं, देश के बड़े कलाकार। तमाम फिल्मों में उनका जो किरदार है उसको सराहा जाता है। और मोदी जी ने जो उतारा प्रत्याशी उनके सामने, शत्रुघ्न सिन्हा के सामने, वो थे पवन, भोजपुरी गायक। और पवन का प्रत्याशी घोषित होने के बाद पवन का जो पहला पोस्ट आया था सोशल मीडिया पर, आप देखिए, उसमें पवन सिंह बड़ी खुशी जता रहे थे, वंदन अभिनंदन चंदन सब कुछ कर रहे थे भाजपा के नेताओं का, मोदी जी का, शाह जी का, नड्डा जी का, कि मुझे प्रत्याशी बनाया। और आज दोपहर होते होते उनका एक्स पर एक ट्वीट आ गया, आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ सकता, माफी दें। क्या हुआ इसके अंदर, क्या दिक्कत आ गई थी? पवन सिंह के नाम में गड़बड़ थी या फिर मोदी जी की गारंटियां फेल हो रही थी? आपसे चर्चा करूंगा विस्तृत इसी बात पर कि आखिर वीआरएस जो 5-5 साल सांसद रह गए उन्होंने तो ले लिया, जो बहुत दिन से दिल्ली की राजनीति में थे उन्होंने ले लिया। आगे अगली वीडियो में दिल्ली की राजनीति पर आपसे बात करूंगा। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं, आखिर पवन ने क्यों वापस लिया? आप माने तो मुझे ऐसा लगता है और कुछ राजनीतिक सूत्र ऐसा बताते हैं कि पवन सिंह का वीआरएस खुद स्वेच्छा से नहीं हुआ है, पवन को जबरदस्ती कह दिया गया, भैया अपना प्रत्याशी पद आपको नहीं बना रहे हैं, साइड हो जाओ। और इसके लिए जरूरी है, कहीं बात बाहर ना निकले, आप खुद ही एक्सपर्ट ट्वीट कर दो कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर संदेश खाली की चर्चाएं चल रही थी। आपने देखा होगा तमाम शाहजहां शेख के खिलाफ जिस प्रकार के अग्रेसिव मोड में भारतीय जनता पार्टी रही, पूरे पश्चिम बंगाल से लेकर पूरे देश में एक संदेश था, संदेश खाली का। संदेश खाली के अंदर जो बहन बेटियों के साथ जो बात हुई, हालांकि वो सब जांच का विषय है और उसके अंदर सामने सब कुछ आएगा कि आखिर क्या है क्या नहीं, क्या वो खाली मीडिया का और कुछ लोगों का बनाई हुई बात है, और अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए, सख्त सजा होनी चाहिए उसके लिए, उसमें कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जाति धर्म पार्टी और राजनीतिक से जुड़े हुए लोगों की तरफ कोई रियायत होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं आपसे पवन की। संदेश खाली बड़ा मुद्दा बना रखा था भारतीय जनता पार्टी ने, बहन बेटियों की इज्जत आबरू और
बिल्कुल होना चाहिए, इस पर कोई समझौता देश में ना होना चाहिए, ना किसी को करना चाहिए, और करता है तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन बात पवन सिंह की थी। पवन सिंह के तो तमाम जो गाने चलते थे भोजपुरी के, वो तो चलते ही बहन बेटियों की किस्मत पर थे। और मान लें कि जब जैसे ही पवन सिंह की प्रत्याशी बनाने की घोषणा हुई, पवन सिंह रात को एक बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल पर बैठ करके अपना इंटरव्यू दे रहे थे, उसके अंदर कह रहे थे कि मेरी तो विचारधारा यही है, मेरी तो मिट्टी पानी सब बंगाल की है, मेरा तो सब कुछ बंगाल का है, सारी बातें बता रहे थे। टिकट मिली तो धन्यवाद कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, चुनाव जीतने की गारंटी दे रहे थे। और उसके बाद में रात ढलते ढलते, रात बीतते बीतते, जब आज रविवार की सुबह हुई, तो फिर वो सारी उनकी गारंटियां फेल होने लगी। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को खतरा हो गया था कि कहीं पवन सिंह जैसे प्रत्याशी को उतारने के बाद में पश्चिम बंगाल की जमीन खिसक ना जाए। जो पवन सिंह के जो वीडियो वायरल होने लगे, जो उनके गानों के जो बोल थे, जिसमें वो कह रहे हैं, आपको मैं वो गाने शॉर्ट में सुनवाता हूँ और दिखाते हैं उनके पोस्टर, और इन पोस्टर्स को तृणमूल कांग्रेस चला रही थी। आप देखिए क्या था ये। इनके अंदर कह रहे हैं पवन सिंह कि सौतन लाइवे बंगाल की, इनके अंदर पवन सिंह कह रहे हैं बंगाल का पानी, इनके अंदर पवन सिंह यानी कि बंगाल की बहन बेटियां, बंगाल की लड़कियों के बारे में पवन सिंह जिस प्रकार का भौंडा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस प्रकार उनकी भौंडी शब्दावली है, इससे खतरा हो गया था कि कहीं अगर पवन सिंह को रखा गया तो कहीं पश्चिम बंगाल खतरे में ना आ जाए। और क्योंकि इस समय 400 पार का नारा है, मोदी जी की गारंटी है, एक एक सीट जोड़नी पड़ेगी तब जा करके बात बनेगी। और इस जो पटकथा लिखी गई, जो पवन सिंह ने वीआरएस लिया, पवन सिंह ने कहा कि भाजपा आला कमान का शुक्रिया, धन्यवाद मुझे टिकट देने के लिए, लेकिन मैं आसनसोल से कुछ कारण चलते हुए चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ। आप समझ सकते हैं ना कि आसनसोल से चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ, इस बात से वीआरएस लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ जो चला, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नीति निर्धारक हैं, जो प्लानिंग करते हैं, जो राज्यों के जो उनको संदेश देते होंगे, क्या वो समझ नहीं पाए थे? और या फिर भाजपा ने ये सोचा था कि एक बिहारी के मुकाबले एक बिहारी उतार दिया जाए ला करके, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा बिहार की अस्मिता के प्रतीक माने जाते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने राजनीति की है भारतीय जनता पार्टी में ही रह करके, और शत्रुघ्न सिन्हा जानते हैं कि कैसे राजनीति की जानी चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा अगर राजनीति के अंदर जो कुछ आप मान लें, जो कुछ इस प्रकार की सेलिब्रिटीज हस्तियाँ आती हैं, उनके अंदर कुछ ही लोग कामयाब हुआ करते हैं राजनीति के अंदर, उनके शत्रुघ्न सिन्हा उनमें एक नाम गिना जा सकता है। उन्होंने पूरी तरह राजनीति की है, राजनीति को खुद में जिया है। हालांकि सेलिब्रिटी आते हैं, चले जाते हैं, एक चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद उनका कहीं कोई पता नहीं होता, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे सनी देओल हो, चाहे अभी गौतम गंभीर गए हैं, ऐसे कई नाम आप गिन सकते हैं। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसा नाम है कि जिनको माना जा सकता है कि वो राजनीति के अंदर पूरी तरह से डटे रहे हैं, टिके रहे हैं। और उनके मुकाबले उतारा था भोजपुरी गायक, यानी कि एक सेलिब्रिटी के मुकाबले एक सेलिब्रिटी उतारने की भाजपा की प्लानिंग तो ठीक थी, लेकिन वो प्लानिंग करने के अंदर जो उसकी केमिस्ट्री थी उसको जोड़ने में भूल कर गए। और सबसे बड़ी बात है कि उस पश्चिम बंगाल में जहाँ पर कि संदेश खाली को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया था, बहुत बड़ा अभियान चलाया था, वहाँ पर पवन सिंह जैसे भोजपुरी गायक, जिसने कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों को ही टारगेट करके गाने बनाए थे, पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों को टारगेट करके ही, जिन्होंने भौंडे और अश्लील जो शब्द बेल करके उनके बारे में जो उनकी कृति उभारने की कोशिश की थी, खतरा बन गया था कि कहीं गारंटी फेल ना हो जाए, इसलिए पवन सिंह जी को कह दिया गया कि भैया आप खुद अपना एक्सपर्ट ट्वीट डालो। वैसे बात तो कुछ ये भी आ रही है, एक मैं चैनल पर देख रहा था कि कोई कार्रवाई शुरू हो रही है पवन सिंह पर, अब जाने क्या कार्रवाई होगी। लेकिन ये जरूर है कि पहली सूची जारी होने के बाद में पवन सिंह का टिकट या पवन सिंह ने लौटाया, और या फिर ये कोई रूपरेखा भाजपा की तरफ से बनी, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं जो रंग में भंग जरूर पड़ गया। वो पार्टी जिसकी टिकट के लिए दावेदारी की जा रही है, भागदौड़ हो रही है, लोग सोच रहे हैं कि भाजपा की टिकट मिलना जीत की गारंटी है, उसकी टिकट अगर कोई प्रत्याशी छोड़ रहा है तो फिर रंग में भंग तो पड़ ही जाता है।
वैसे आपको क्या लगता है कि पवन सिंह ने खुद वीआरएस ली है? आपको क्या लगता है कि पवन सिंह के जो गाने हैं, इसके जिस प्रकार के बोल हैं, क्या वाकई बहन बेटियों की इज्जत पर हमला नहीं है? और आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के जो लोग गायक हैं, जो इस प्रकार के गाने बनाया करते हैं, क्या इन पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए, जो खासकर बहन बेटियों की अस्मत पर सवालिया निशान और हमलावर होते हों? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।